आज मैं बनाने जा रही हूँ नो बेक फ्रूट जेली केक। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं। थ्री फ्लेवर्स फ्रूट जेली केक बनाने के लिए सबसे पहले हम पाइनएप्पल फ्लेवर बना लेते हैं। तो हम पैन में डालेंगे 1 कप पानी और 1 चम्मच अगर पाउडर, ये आपको मार्केट में इजीली मिलेगा, इसे डाल देते हैं। हम 1/2 टीस्पून और डाल देते हैं, मतलब टोटल मैंने 1.5 टीस्पून अगर पाउडर का यूज़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी और अगर पाउडर को हम 1 मिनट तक के लिए पका लेते हैं। हम इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें हम डालते हैं पाइनएप्पल सिरप। और हम यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर बनाने जा रहे हैं तो मैंने लिया है कैन पाइनएप्पल का जूस, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसे डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है पाउडर्ड शुगर, ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हम 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं और सभी को मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक हम पका लेते हैं। फ्लेवर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर यूज़ किया है। आप चाहें तो कोकोनट वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं या लीची फ्लेवर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2 मिनट हो गया है इसे पकाते हुए और अब हम चलिए इसे तुरंत ही मोल्ड में डालते हैं। तो हम आधा पानी डालते हैं और ध्यान दें कि बबल्स ना हो। और अब इसमें हम सारे फ्रूट्स डाल देते हैं। मैंने अनार के दाने लिए हैं, कीवी डाल देते हैं, आम डाल देंगे। फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग जैसा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। और पाइनएप्पल फ्लेवर है तो हम थोड़े से चॉप किए हुए टिन पाइनएप्पल डाल देते हैं। फ्रूट्स को डालने के बाद ध्यान रहे कि इसमें बबल्स ना रहें और बाकी बचे हुए पानी को हम ऊपर से डाल देते हैं। और इस मिक्सचर को हम सेट होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद ही हम सेकेंड लेयर बनाएंगे। और अब हम बनाते हैं नेक्स्ट लेयर। ये नेक्स्ट लेयर मैं कोकोनट मिल्क का बनाऊंगी, ये आपको मार्केट में इजीली मिलेगा, इसे हम डालते हैं पैन में। मैंने पूरा पैक नहीं लिया है, 1/2 पैक लिया है और ये बहुत गाढ़ा है तो इसमें हम डालेंगे पानी। इसमें हम डालते हैं 1/2 कप पानी और एक बार मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं 3/4 टीस्पून अगर पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि बिल्कुल भी लम्स ना हो। तो अगर पाउडर को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम पकाना स्टार्ट करते हैं। और अब इसे हम गैस पर रखकर 1 से 2 मिनट तक बॉईल कर लेते हैं। इसमें मीठा बिल्कुल भी नहीं है तो हम स्वीटनेस के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून चीनी या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और चीनी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक हम पका लेते हैं। तो इसे भी मैंने 1 से 2 मिनट तक बॉईल कर लिया है और अब हम फ्लेम का बंद करते हैं और इसे हम सेम मोल्ड में डालेंगे। और ये हमारा जो जेली है, जो फर्स्ट लेयर है, वो पूरा सेट हो गया है। सेट होने के बाद ही हम इसे पकाएंगे और फिर डालेंगे, नहीं तो आपस में ये मिक्स हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर डालते हैं। और अब इसे भी हम 15 से 20 मिनट्स तक सेट होने के लिए रख देते हैं। जब सेट हो जाएगा तब हम अपना थर्ड लेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऑरेंज क्रश। आप कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं, मेरे पास ऑरेंज क्रश था तो मैंने थर्ड लेयर बनाने के लिए ऑरेंज फ्लेवर का यूज़ किया है। और ऑरेंज क्रश हम ऑलमोस्ट 1/2 कप डालेंगे और साथ ही साथ इसमें हम 1/4 कप पानी भी डाल देते हैं और 3/4 टीस्पून अगर पाउडर और सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। मैंने चीनी का यूज़ नहीं किया है तो इसमें भी हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल देते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून हम चीनी डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं। तो ये हमारा ऑरेंज का भी मिक्सचर तैयार हो गया है और इसे भी अब हम डालते हैं सेम मोल्ड में। ये वाला लेयर भी पूरी तरीके से सेट हो गया है, उसके बाद ही मैंने इसे कुक करने चढ़ाया था। और अब इसके ऊपर हम डालते हैं अपना लास्ट मिक्सचर। और लास्ट लेयर डालने के बाद अब इसे भी हम 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नो बेक
फ्रूट जेली केक बिल्कुल तैयार हो गया है और अब इसे हम टिन से बाहर निकालते हैं। टिन से बाहर निकालने के लिए हम चारों तरफ लगाएंगे टूथपिक और इसे अब हम बिल्कुल जेंटली अनमोल्ड कर लेंगे। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रूट जेली केक बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए।